श्री महाकाले नमः। श्री कृष्ण कालिकाय नमो नमः। तो आज एक कथा है श्री कृष्ण काली के भक्त की, जिसने स्वयं अपना ही घर जला दिया। तो ये कथा बहुत ही लोक प्रचलित है बंगाल की साइड में, और असम के साइड भी इसका वर्णन सुनने को मिलता है। एक समय की बात है, स्वयं जो उनका एक भक्त था जिसका नाम अज्ञात है आज तक, तो ये कथा प्रचलित है, तो ये लोक कथा है। तो इसके अंदर एक भक्त था कृष्ण काली का। वह क्या करता, दिन में कृष्ण 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 का जाप करता और पूरे दिन कृष्ण पूजन करता, और रात्रि में काली काली शमशान में जाके काली माँ का पूजन करता। वह बचपन से कृष्ण और काली का भक्त था। तो कहता है एक समय वह शमशान गया, कहते हैं कि हे देवी मुझे कृष्ण ने दर्शन दिए। आपको मैं इस बारे में बताता हूँ। वह कृष्ण पूजन में तत्पर तक सुबह के वक्त संध्या तक, और कृष्ण उन्हें दर्शन दे देते हैं प्रसन्न होकर। कृष्ण ने दर्शन देते हैं और वह इतना प्रसन्न हो जाता है, कहता है कृष्ण ने मुझे दर्शन दे दिए, अब मैं काली देवी से दर्शन की प्रार्थना करूँ। तो काली देवी के पास शमशान में वह भक्त जाता है और काली काली माँ मुझे दर्शन दो, माँ दर्शन दो, इस प्रकार कई तरीके से विलाप करता है, रोता है, चिता के पास अपने मिट्टी चिता राख सब में हाथ कर मांगता है कि काली माता मुझे दर्शन दो। काली माता कहती है उस वक्त महाभयंकर रूप से दर्शन देती है, परंतु एक भक्त होता है ना कि भक्त वो समझ सकता है कि माँ कैसे भी हो माँ तो माँ ही होती है। किसी की माँ कितनी भी क्या हम लोगों को कह सकते हैं कि वो सुंदर नहीं, वो सुंदर नहीं, लेकिन एक बच्चे के लिए उसके लिए उसकी माँ ही सुंदर सुंदर होती है। वो उस भयंकर रूप को भी देखे था, मेरी माँ कह के उनके पैरों में गिर जाता है, उनके गले लग जाते हैं, तो माँ कृष्ण काली जो है वह भी उनसे अपने गले लगा देती है। वो कहते हैं कि हे मैया मेरे घर आओ, जैसे कृष्ण आए आप मुझे मेरे घर पर भी आके मुझे दर्शन दो। माँ कहती है पुत्र यदि मैं अपने भयंकर रूप में गए, और ये कहते हैं कि आप इसी रूप में मेरे घर आओ। तो कहते हैं प्रभु पुत्र मैं इसी भयंकर रूप में तेरे घर आ गई तो तेरा घर जल जाएगा, पुत्र मुझे किसी और रूप में बुला ले। तो कहते हैं नहीं माँ आप इसी रूप में मेरे घर आओ। तो वो भक्त हट पे और माँ भक्त की चिंता में, तो माँ कहती है कि चल ठीक है मैं इसी रूप में तेरे घर आ जाऊँ। ऐसा रहता है। उसके बाद माता काली वह रात को बैठा होता, आज मेरी काली माई आएगी, कृष्ण से एक मूर्ति रखी होती है उसके घर में, उनसे कहता है आज मेरी काली माई आएगी, काली माता आएगी, इस प्रकार वह भजन गा रहा होता है। तो एकदम से उसे आहट सुनाई देती है छम छम छम, वो समझ जाता है मेरी काली माई आ गई। वह घर से भागा भागा दौड़ा दौड़ा जाता है, कहते काली माँ इतने भयंकर रूप में होते थे कि लोग तो देख नहीं सकते उनके रूप को, परंतु वह एकदम से घर में जाती है, प्रवेश करती है, जो उसकी छोटी सी तो कुटिया होती है घास फूस की बनी, उसमें आग लग जाती है। लेकिन वो भक्त ये नहीं देखते उसका घर जल रहा है, अंदर सारा सामान है उसका, जब खाने पीने का सब जल रहा है, वो खुश होता है मेरी काली माई आई, मेरी काली माई आई है, वो नाचने लग जाता है, आज तो मेरी कृष्ण काली माई मेरे घर आ गई, देखो मेरी माता काली आज कृष्ण रूप में मेरे घर आई है। तो वह कहता है कि देखो कितना सुंदर रूप है, तो वो लोग कहते हैं कि आस पास के लोग आते तेरा घर जल रहा है आग बुझा, आग बुझा, कहता है नहीं मैं आग नहीं बुझाऊँगा मेरी कृष्ण काली आज मेरे घर आई। तो इस प्रकार की बातें वह बहुत तरीके से बोलता है। तो इसके बाद क्या होता है कि वह कहीं से भीख मांग के ले आता है किसी से, ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण होता है और अघोर से कहते हैं कि वो दीक्षित है, घी मांग के ले आता है, घी शराब मक्खन इन सबसे आहुति करता है, ओम काली का स्वाहा शरीर से आहुति करना अपने घर के अंदर ही, लोग कहते हैं पागल के अपने घर के जलते हुए घर में ही घी डालना है, इस तरीके की बातें करना चाहता है। तो कहते हैं कि वह पूरी रात वहाँ पे छल्ला बुल्ला ढोल बजाता है, कुछ बजाता है, खुश होता है, नाचता है। अगले दिन लोग सुबह उठते हैं, आसपास के गांव तो होता है ये छोटा सा झुग्गी टाइप का गांव होता है, देखते हैं उसका घर पक्का, मुझे उसकी घास फूस की कुटिया दिया पूरे गांव में नहीं था, उसका घर पक्की ईंटों का बन के तैयार हो चुका है, पत्थर लगा हुआ है उसके घर में, इतना सुंदर दिव्य उसका घर है। यही चीज़ सीख देती है, अगर आप कृष्ण काली की पूजा कर रहे हो तो उन पर इतना विश्वास रखो कि आप अपना घर तक जलवाने की हिम्मत रखो, क्योंकि ये होता है विश्वास। आपको कृष्ण काली के रूप में विश्वास नहीं है, आपके मन में 1% भी डाउट है कि इनका रूप नहीं है,
तो आप उनकी आराधना नहीं कर सकते। वो पता है क्या बोलता था, वो भक्त क्या बोलता है कि मेरी काली पीली पीली साड़ी पहने, जो आग जलते सुबह था पीली पीली साड़ी पहने, जो काला काला धुआं उठ रहा था, काले काले रूप में मेरे घर आई कृष्ण काली, आज मेरे घर आई। इस तरीके से भजन गाता है, पीली पीली साड़ी पहन आई मेरी काली, आई मेरे कृष्णा। इस तरीके से ऐसे भजन गा के माता को ले जाता है। सोचिए उस भक्त के अंदर कितना विश्वास है। ऐसा विश्वास आप अपने जमीन अपने हृदय में डालना है भगवती काली को। आशा करता हूँ आपको ये भक्त और उनके इष्ट कृष्ण काली की कथा पसंद आएगी। यदि आपको ये